चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनएमसी रूल 50% प्राइवेट सीट ऑन गवर्नमेंट फीस, इस रूल ने पिछले साल स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर पानी फेरा है। यानी कि ये उस समय रूल आया था जिस समय काउंसलिंग चरम सीमा पर थी, यानी कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही थी, उस समय ये रूल आ गया था। स्टेट्स की काउंसलिंग के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये रूल आया था। पीएमओ ने भी इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था और काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये उम्मीद लगाई थी कि हमारा 22 में कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा, यानी कि हमें कम मार्क्स में भी ये प्राइवेट सीट ऐड होने से एमबीबीएस में कम फीस पर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इस साल के लिए ये उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या अभी भी कोई उम्मीद बची हुई है या फिर इस साल ये लागू होगा या नहीं होगा। इस विषय पर हम तथ्यों के साथ में बातचीत करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और आपको काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना बेहद ही जरूरी है। आपको अच्छी कॉलेज मिले इसके लिए आपको काउंसलिंग के बारे में अवेयर होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमने बुक तैयार की है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस, सेंट्रल पूल कोटा, सभी के लिए ये बुक अवेलेबल है। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, 2022 में आपको चॉइस कैसे फिल करना है उसके बारे में समझाया है। साथ ही साथ हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में भी जानकारी दी है, सर्विस बोर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी दे रखी है। इसको आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे और आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अभी इस एनएमसी बिल के बारे में अभी तक की सिचुएशन जान लेते हैं। अभी तक की सिचुएशन ये है कि पिछले साल ये पीएमओ ने भी इसका अनाउंसमेंट किया था और 3 फरवरी 2022 को एनएमसी ने सभी स्टेट्स को एक ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू ये बताया था कि 22 का जो फीस स्ट्रक्चर होगा उसमें प्राइवेट सीट की 50% सीट, प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट गवर्नमेंट फीस पर होंगी, ऐसा एनएमसी ने कहा था। इसके बाद सभी स्टेट को ये ऑर्डर सर्कुलेट कर दिया गया था, लेकिन 22 की काउंसलिंग के लिए स्टेट्स ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। हालांकि एक दो स्टेट्स ने अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी को ये ऑर्डर दिया कि आप इस साल 50% प्राइवेट सीट गवर्नमेंट के लिए शेयर करें। इसी के चलते केरला हाईकोर्ट में भी केस हुआ, प्राइवेट कॉलेजेस ने केस किया, तमिलनाडु प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी ने भी मद्रास हाईकोर्ट में केस फाइल किया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया। तो ये इस प्रकार के अभी तक 3 केसेज देखने को मिले हैं। ये 3 केसेज में 2 केसेज हाईकोर्ट में गए थे जिनका डिसीजन आ चुका है और 1 केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है जिसकी हियरिंग 23 सितंबर को है। लेकिन अब हम इन केस के बारे में जान लेते हैं कि दो केस का डिसीजन आया वो क्या था। तो केरला हाई कोर्ट ने ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया एनएमसी को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि केरला स्टेट में ये रूल लागू नहीं होगा। इसकी जो बारीकियां थी मैंने इसके एक सेपरेट वीडियो में बता दी थी कि क्या क्या कोर्ट ने कहा था। इसके बाद में तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट ने भी कल के डिसीजन में ये क्लियर कर दिया है कि एनएमसी इस पर पुनर्विचार करे और जब तक एनएमसी इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तब तक ये पहले वाला ही फीस स्ट्रक्चर जारी रहेगा, यानी कि जो प्रेजेंट में फीस स्ट्रक्चर है वही जारी रहेगा। तो इसमें भी कोई इस प्रकार की संभावना नहीं लग रही है कि ये इस साल लागू हो जाए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस है जिसकी 23 को हियरिंग है। हम सब जानते हैं कि इनकी हियरिंग इतनी जल्दी इनका डिसीजन नहीं आ सकता, 1-2 हियरिंग में, इनमें साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग जाते हैं हियरिंग में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस का जो केस है वो पिछली बार जिसके कारण काउंसलिंग रुकी हुई थी अभी भी उसका डिसीजन नहीं आया है, यानी कि उसको 1 साल से ज्यादा का समय होने वाला है तो अभी भी उसका डिसीजन आया नहीं है। पिछले साल अगस्त का ये केस फाइल किया हुआ है तभी से ये केस चल ही रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस केस में इतना जल्दी डिसीजन नहीं आ सकता है। अब
मेन बात यह है कि क्या ये इस साल के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो देखो ये मेरे व्यूज हैं, इस साल ये इम्प्लीमेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कारण ये है, दो हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि ये रूल लागू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए काफी समय लगेगा। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये इस साल तो लागू नहीं होगा, क्योंकि स्टेट्स ने इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है कि ये लागू हो जाए। तो जो बच्चे अभी भी इस उम्मीद में हैं कि ये लागू हो सकता है, तो वो अपना ये उम्मीद छोड़ दें। जिनके अच्छे मार्क्स नहीं है वो तैयारी फिर से शुरू कर दें। इसकी कोई संभावना नहीं है कि ये लागू हो सकता है। अभी जो अभी तक है, हम आरटीआई से पूछ रहे थे एनएमसी से, तो आरटीआई में एनएमसी ने क्यों कहा कि ये इसी साल से लागू होगा? तो इसका रीजन ये है कि आरटीआई से जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन में वही जवाब दिया जाता है जो ऑफिस ऑर्डर में होता है। और ऑफिस ऑर्डर के 3 फरवरी 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम में ये बिल्कुल क्लियर था कि ये इसी साल से लागू होगा, तो वही रिप्लाई दिया जाता है। उसके बाद में क्या कोर्ट केसेज होते हैं, क्या उसमें चेंज आते हैं, वो बात अलग है। लास्ट में वीडियो के अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि इस साल ये लागू होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मेरे अपने व्यूज हैं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं वो अपने स्टडी शुरू कर दें, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें, जो उनकी फीस है। तो ये फाइनल अभी तक की क्या हुआ, इसके बारे में क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी थी। काउंसलिंग के बारे में हरेक स्टेप्स पर आपको हम हरेक स्टेप्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक मैं आपसे विदा लेने से पहले ये बता देता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।